हेलो डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने अभी तक पढ़ाई किया डे 5 तक, तो डे 6 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए डे 6 में हमें क्या पढ़ना है। डे 6, ओके, तो हमें डे 6 में पढ़ना है ड ढ अड़ा। ओके, तो हमें ये 3 लेटर पढ़ना है। ओके, फिर हम लाइन दे देंगे जिस तरह से मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, उस तरह से ये करना है। ओके, तो डियर पेरेंट्स, हमने डे 5 में राइट लेटर ए टू जेड पढ़ा था। ओके, अब हम करते हैं क्या, राइट लेटर्स ए टू जेड, यानी कि हमें स्मॉल लेटर लिखना है। ओके, ए टू जेड। ओके, तो ये हमारा रिवीजन होगा। ओके, इस तरह से अपने ये कर देना है। ये अपने बच्चों की नोटबुक में अगर ये दे रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि ये रिवीजन चल रहा है। ओके, तो हमने रिवीजन कराया कैपिटल लेटर का भी और स्मॉल लेटर का भी। सो डियर पेरेंट्स, डे 6 हमें मैथ में करना क्या है, हमने पढ़ाया था 21 to 30। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो नंबर हम देंगे। आज हमने पढ़ाना है अपने बच्चों को नंबर 31 to 40। ओके, तो हमने दे दिया, सबसे पहले तो आप बताएंगे टेंस वंस के बारे में। तो आप अगर अभी तक आपने मेरी टेंस वंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर देख लीजिए। थ्री वन 31, इस तरह से बताते हुए 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40। ओके, तो हमने डे 6 में 31 to 40 कंप्लीट किया है। ओके, तो हमें इसके साथ साथ इसे रीड भी कराना होगा। ओके, सो डियर पेरेंट्स, हमने क से लेकर अड़ा तक सिखाया है बच्चों को, आज हम उन्हें डे 7 में रिवीजन कराएंगे। ओके, डे 7, ओके, रिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है क ख ग घ अंग। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ से इस तरह से लाइन दे देंगे, इस तरह से आप भी लाइन दे दीजिएगा नोटबुक में ताकि बच्चे अच्छे से लिख पाए। ओके, तो ये मेरा लाइन कंप्लीट हो गया। ओके, हमने अंग तक कर दिया, यहाँ से च छ ज झ ञ। ओके, फिर हम यहाँ से लिखेंगे ट ठ ड ढ अड़ा। ओके, तो हमें ये क्या कराना है, रिवीजन कराना है। क्या कराना है, रिवीजन। ओके, तो डे 7 में आपको रिवीजन कराना। सो डियर पेरेंट्स, अब हम बढ़ते हैं डे 8 में। ओके, तो डे 8 में हमें क्या करना है, अपने बच्चों से क्या करवाना है, सबसे पहले तो
डे 8 दे देते हैं। हमने क से अड़ तक रिवीजन करवाया है ना, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो थ द, ओके, इस तरह से आपने दे दिया है। लाइन दे देते हम, ने ये लाइन कंप्लीट कर ली इस तरह से। फिर आप देना उन्हें स्टार्ट करेंगे डे 8 में। फिर से हम इसी तरह से लगातार 3 लेटर करके बढ़ते रहेंगे, ओके। सो डे 9, ओके। तो डे 9 में हमें क्या कराना है हिंदी में, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ये ज़रूरी है बहुत, डे 9 लिखना। इस तरह से आप भी अब जो नोटबुक बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो सबसे पहले आप जिस तरह से बना रहे हैं डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे, इस तरह से बना लीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए, तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है, त थ द, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, हो गया न प, ओके। तो फिर हमें वही काम करना है, लाइन दे देना है। इस तरह से हमने लाइन को कंप्लीट कर लिया, ओके। सो डियर पेरेंट्स, हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, यस, त थ द ध न प तक, ओके। अब हम आगे चलते हैं, डे 10, ओके। फ ब भ, ओके। फिर से हमने वही किया, लाइन दे देना है। इस तरह से आप उन्हें रिवीजन कराते रहेंगे। अगर जो उन्हें नहीं आता है समझ में, तो सबसे पहले तो उन्हें रिमार्क करेंगे। अगर बच्चे ने गलत बनाया है कुछ, तो सबसे पहले तो उन्हें बताइए कि यहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, फिर से आप उसे दोहराएंगे, ओके। फिर से आप उन्हें रिपीट करने के लिए देंगे। सो डियर पेरेंट्स, हमें क्या करना है डे 7 में, तो डे 7 में रिवीजन कराएंगे, ओके। ये है रिवीजन टाइम। चलिए, तो इस तरह से हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, लिखना है राइट लेटर, यानी कि हमें कैपिटल के साथ साथ स्मॉल भी लिखना है, ओके। A to Z, ओके। तो हमें कैपिटल के साथ साथ स्मॉल भी कराना है, तो बच्चे सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, इस तरह से लिखेंगे, ओके। इस तरह से आपको करवाना है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये है कैपिटल लेटर, देन ये हो गया स्मॉल लेटर, ओके। इस तरह से आपको ए टू जेड तक करवाना है, ओके। तो डे 7 में आपको रिवीजन करवाना है। सो डियर पेरेंट्स, हमें अब डे, तो हमें डे 8 में कराना है। आइए देखते हैं क्या कराना है। सबसे पहले हमें वो काम करना है जो ज़रूरी होता है ना, तो डे 8, ओके। इस तरह से आप कर लीजिए, हमें कराना है आज फिल, ओके, फिल इन विथ कैपिटल्स लेटर, ओके। तो हमें फिल इन विथ कैपिटल लेटर कराना, ओके।
वस्तु। सबसे पहले इस तरह से आपने बना लेना है ए, फिर हमें यहाँ पे इस तरह से दो कॉलम छोड़ देना है बच्चों को फिल करने के लिए। ओके, फिर हमें लिखना है, तो जैसे इस तरह से होता है ए बी सी, फिर बच्चों को क्या करना है ना, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे लिखना है डी, फिर से हम छोड़ देंगे इस तरह से। आप देख लीजिए कि कहाँ तक, जैसे यहाँ पे डी ई एफ जी एच, इस तरह से बच्चे फील करेंगे। फिर हमने यहाँ पे आई दे दिया जे, इस तरह से आपको कराना है। इस तरह से हमने करा दिया है, तो आप डे 8 में अपने बच्चों से फील कराएंगे अल्फ़ाबेट यानी कि कैपिटल लेटर। ओके, तो आपको कैपिटल लेटर फील करवाना है डे 8 में। सो डियर पेरेंट्स, हमें क्या कराना है डे 9 में, डे 9। ओके, हमें डे 9 में कराना है फिल इन विथ स्मॉल लेटर। ओके, तो हमने डे 8 में कराया था जैसे कैपिटल लेटर, अब हम करा रहे हैं स्मॉल लेटर। ओके, तो हमने ये लिख दिया। चलिए आइए हम लिखते हैं, इस तरह से अब कुछ कॉलम बना देंगे, इस तरह से बच्चे उसमें फील करना सीखेंगे। ओके, तो हमने इस तरह से क्या सिखाया बच्चों को आज डे 9 में, फील करना सिखाना है ना, बच्चों को क्या करना है सिखाना है, फील करना सिखाना। ओके, सो डियर पेरेंट्स, हमें डे 9 में क्या सिखाना है अपने बच्चों को आज, जैसा कि हमने डे 8 में सीखा था कैपिटल लेटर फील करना, तो हम वैसे ही डे 9 में स्मॉल लेटर फील कराना सिखाते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे फिल इन विथ स्मॉल लेटर। ओके, इस तरह से आप बना लीजिए। जिस तरह से मैंने बना लिया है, ओके, तो हमने इस तरह से कर दिया। सबसे पहले तो किस तरह से बनाना है, इस तरह से आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे लाइक ए, ए के बाद आप दो गैप छोड़ दीजिए यानी कि फिल करने के लिए बच्चों को, कुछ कुछ कॉलम जिस तरह से बनता है उस तरह से बना दीजिए।
तो हमने डे 9 में क्या कराया है, बच्चों से फील करना सिखाया है स्मॉल लेटर। ओके, तो आपको इस तरह से बना लेना होगा पहले तो, और फिर बच्चों को देना होगा इस तरह से कि आप इस तरह से फील करो। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 10, तो डे 10 में हमें क्या कराना है चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले तो हमने लिख देना है क्योंकि हम तो मैच करा रहे हैं। ओके, मैच द लेटर्स। ओके, तो हमें लेटर को किस तरह से मैच कराना है आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है उसी पर बच्चों को लिखाया जाता है ताकि उस पर उनकी राइटिंग बढ़िया बने और वो साफ साफ लिखना सीखे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले इस तरह से आपको स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर के साथ मिला जुला कर बनाना है ताकि उन्हें कैपिटल लेटर भी याद होता रहे और स्मॉल लेटर याद होता रहे, है ना। इस तरह से उन्हें रिकॉग्नाइज भी आ जाएगा, रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें पहचानना जैसे कि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने एक साइड में लेफ्ट साइड में इस तरह से लिख लिया है, अब हम राइट साइड में लिखते हैं। ओके, तो जो लेटर हम लोग इस साइड लिखेंगे वो लेटर हम लोग इस साइड भी लिखेंगे लेकिन अलग अलग जगह पे लिखेंगे, है ना, ताकि वो बच्चे इस तरह से मैच कर पाए। ओके, ओके, हमें इस तरह से करना है। तो हमने इस तरह से बना लिया। ओके, अब क्या करना है बच्चों को, इसको मैच करना है। तो आप अपने बच्चों से बताएं कि इसे मैच करके जो लेफ्ट साइड में है क्या आपको उस राइट साइड में दिख रहा है, तो वो मैच करना है लाइक स्मॉल ए। ओके, उन्हें वो वैसे बताना है जैसे कि आप मुझे बताओ कि स्मॉल लेटर राइट साइड में कहाँ है। ओके, तो जैसे बच्चे इस तरह से बनाते हैं, वाओ हमें तो मिल गया, इस तरह से करना है आपको लाइक स्मॉल के। आपको स्मॉल के कहीं दिख रहा है, गुड, इस तरह से आपको फील करवाना है ना, लाइक इस तरह से आपको फील कराना है। ओके, सो डियर पेरेंट्स, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बनाना है क्या, मैथ बनाना है। ओके, तो डे 7। ओके, तो हमने जैसा कि डे 6 में पढ़ाया था 31 to 40, अब हमें पढ़ाना है नंबर 41 to 50। ओके, उस तरह से फिर हमें बताना है बच्चों को कि टेंस वंस। ओके, तो सबसे पहले टेंस वंस दे दीजिए आप। टेंस वंस हमने इस तरह से कर दिया। ओके, फिर हम वही काम करेंगे 41 इस तरह से अपने बच्चों को बोल बोल कर लिखवाएंगे 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48
49, 50। तो डे 7 में हमने क्या पढ़ा, 41 to 50 तक। ओके, सो हमें अब डे 8 में कराना क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले डे 8 हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें डे 8 में कराना है रिवीजन। ओके, रिवीजन कराना है नंबर का। ओके, तो हम नंबर लिखेंगे, नंबर 1 to 50। ओके, आप इस तरह से बना दीजिए और उन्हें रिवीजन करने के लिए दीजिए। बाद में उन्हें बताइए कि टेंस वंस जिस तरह से हमने टेंस वंस में बताया है उस तरह से करिए। ओके, तो हमने डे 8 में क्या करा है, रिवीजन कराया है। हेलो डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप डे 9 में अब देख रहे हैं हमें क्या पढ़ाना है, मोर एंड लेस। ओके, तो मैंने कुछ फिगर बनाया है, इस तरह से आप अपने बच्चों के नोटबुक के ऊपर बनाइए, ठीक है, बहुत इजी है बनाना। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या मैं बताती हूँ, मोर यानी कि ज़्यादा और लेस यानी कि कम। कोई चीज़ ज़्यादा होता है वो मोर होता है, कोई चीज़ जो कम होता है वो लेस होता है ना। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1 नंबर को बनाना है। ओके, सबसे पहले तो हमें काउंट करना है। ओके, 1, 2, 3। ओके, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है वो 3 है, देन 1, 2, 3, 4, ये 4 है। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो ज़्यादा है वो मोर होता है और जो कम होता है वो लेस होता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो कम है उसको क्रॉस करेंगे, जो ज़्यादा है उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों की नोटबुक को आप तैयार करिएगा और अपने बच्चों को इस तरह से बनाइएगा, दीजिएगा बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। ओके, लाइक स्माइली। ओके, तो हमें स्माइली को काउंट करना है, इस तरह से आप अपने बच्चों से करवाएंगे। ओके, बोलेंगे कि आप इस तरह से मुझे काउंट करके बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो स्माइली बना हुआ वो क्या है, कितने हैं, 6 हैं। ओके, तो वो 6 हो गए। ओके, देन ये काइट है, 1, 2, तो आपको कितने काइट दिखे, 2 काइट दिखे, है ना। तो करना क्या है हमें, जो ज़्यादा हो गया उसे क्या करना है, हमें टिक करना है। ओके, देन ये 2 है तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। ओके, तो इस तरह से आप अपने बच्चों की नोटबुक को टैग करेंगे, स्टार 1, 2, 3। ओके, 3 स्टार, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गए। इस तरह से हमें क्या करना है, जो मोर है उसमें टिक करना है, जो लेस है उसे क्रॉस कर देना है। ओके, तो कितना इजी है, लाइक आपने अपने बच्चों को एग्जांपल देकर भी समझा सकते हैं। आपने ले लेना है एक ग्लास। ओके, एक ग्लास में आपको रखना है एक ग्लास पानी और एक जो दूसरा ग्लास है आपको 2 ग्लास लेना है। ओके, सबसे पहले तो 2 ग्लास में, एक ग्लास में आपको रखना है पूरा एक ग्लास भरकर पानी और एक ग्लास में रखना है आपको हाफ पानी। ओके, अपने बच्चों को इस तरह से बताना है कि आप मुझे बताइए कि कौन से ग्लास में ज़्यादा पानी है और कौन से ग्लास में कम पानी है। ओके, तो इस तरह से आप बताइएगा एग्जांपल देके, तो वो अच्छे से समझेंगे। सो डियर पेरेंट्स, डे 10। ओके, तो डे 10 में हमें अपने बच्चों को कराना है मोर एंड लेस का रिवीजन। ओके, चलिए आइए आप देखिए किस तरह से मैं करवाती हूँ। आपको फिगर भी बनाने आ जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो। ओके, बहुत छोटे छोटे से फिगर बनाने होते हैं, बहुत ईजी होता है। ओके, लाइक आप इस तरह से स्माइली बना दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना दीजिए। ओके, okay?
इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इस तरह से आप कर लीजिए रिवीजन, क्योंकि ये डे 10 में अपने बच्चों को कराना है रिवीजन। ओके बनाते हैं स्टार। ओके बहुत इजी होता है बनाना। फिर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे ताकि वो टिक कर पाए। ओके ओके मैंने इस तरह से कर दिया। इस तरह से हमने कर दिया। ओके फिर हम क्या करेंगे एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ओके तो इसमें करना क्या है अपने बच्चों से, करवाना क्या है, इस तरह से आपने फिगर ये बना लिया। ओके ये क्या है अपने बच्चों को बताना है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको डे 9 में बनाने के लिए उस तरह से आप डे 10 में उन्हें रिवीजन करने के लिए दीजिएगा। ओके तो उन्हें काउंट करने के लिए पहले बोलेंगे कि काउंट करें और देन उसके बाद आपको टिक करना है, जो मोर है उसमें टिक करना है, देन जो लेस है उसमें क्रॉस करना है। लाइक मैं आपको बताती हूँ अगर ये मोर है तो हमें क्या करना है टिक करना है। ओके देन अगर ये लेस है तो हमें क्या करना है क्रॉस कर देना है। बहुत ईजी है। ओके तो हमने डे 10 में यही पढ़ा है। ओके